अंशु त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि क्या आप ममता सरकार को गिराना चाहते हैं, क्या आप कुर्सी पाना चाहते हैं? महुआ मोइत्रा का भी यही कहना। बहुत हद हो गई आप तौसीफ खान साहब ने जिस प्रकार की बात कही। एक तो ये तीनों दल देखिए कितना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का कांग्रेस और कम्युनिस्ट से कोई मतलब नहीं है, तृणमूल कह रही है कि भाजपा से मतलब है, जबकि वो वास्तविकता में छात्रों का। इसका मतलब बहुत साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस आश्वस्त है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट विरोध नहीं करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो नेम से की बात करेंगे। ये वही लोग हैं कि एक पत्थर की घटना पे जानकारी के बगैर तो आरोप लगा रहे हैं, और कश्मीर में सैकड़ों सैकड़ों पत्थर चलाए जाते थे जब आर्मी के ऊपर, तो कहते थे ये भटके हुए नौजवान हैं, जिस पर सबूत अवेलेबल है कि पैसे दे दे के पत्थरबाजी की जाती थी, और धारा 370 हटने के बाद वो पत्थरबाजी बंद हो गई। शर्म आनी चाहिए कि उस पत्थरबाजी का खुलेआम समर्थन करने वाले लोग, और जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या भी कर देती थी, तो ये लोग कहते थे भटके हुए नौजवान हैं। और आज दुख की बात है कि उस लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए, उस लड़की के न्याय की रक्षा के लिए, डॉक्टर की रक्षा के लिए आए हुए भीड़ के ऊपर ये राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ हो गया कि इनके लिए ये चुनाव और राजनीति का विषय है। इसीलिए मैं आपको पूरे ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस कम्युनिस्ट और ये इंडी गठबंधन सपा वाले सब मिले हुए हैं। कपिल सिब्बल का वहां पर खड़ा होना इसका प्रमाण है, और ये सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं, राजनीति ये कर रहे हैं, ईमानदारी से विरोध सिर्फ हम कर रहे हैं। तौसीफ खान, सवाल ये है कि ये पाकिस्तान टाइप के कंटेनर भी आप ले आए हैं, ये तो कभी किसान आंदोलन में भी नहीं दिखे थे। मैं पूछना चाहती हूं, अब कोलकाता में पाकिस्तान टाइप ऑफ प्रोटेस्ट है, और ये विजुअल्स देखिए, इसमें भर भर के लोगों को लॉक करना था क्या? नहीं, देखिए नाविका जी, किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसकी तुलना आज की जो कॉन्स्पिरेसी, आज की साजिश रही है बीजेपी से, उससे बिल्कुल भी कतई भी नहीं कर सकते। किसान आंदोलन में हमारे किसान भाइयों ने अपने जान गंवाए, उनके लिए रास्ता में बड़ा बड़ा इन लोगों ने कील लगा दिया था, उनके लिए क्या क्या इन लोगों ने इंतजाम किया था। आज ममता बनर्जी के पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाया, हालांकि इनका वीडियो वायरल है। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि लड़की की जान गई है, यहाँ पर भी एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसका कत्ल हुआ है, और पूरा क्राइम सीन बर्बाद कर दिया गया है, और प्रिंसिपल को बचाया जा रहा था। संजय रॉय पुलिस कमिश्नर के बाइक पे घूम रहा है, पुलिस का वो आदमी है, और आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन आपको छोटा लगता है? एक महिला के लिए, इंसाफ के लिए अगर आंदोलन होता है तो आपको ये आंदोलन छोटा लगता है? का हिस्सा मैं भी हूँ नाविका जी। कल फिर से हमने प्रोटेस्ट मार्च किया, मैं खुद था शामिल, हमारे कॉलेज के एलुमनाई बॉडी ने प्रोटेस्ट किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये बीजेपी का ऑर्गेनाइज किया हुआ, बीजेपी का षड्यंत्र रचाया हुआ, और वीडियो में भी ये कह रहा है कि लाशें गिरनी चाहिए। ममता जी सरकार, ममता जी का प्रोटेस्ट, ममता जी का डिपार्टमेंट, ममता जी का लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ आप ही कर लीजिए, बाकी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंसाफ कभी मिलना नहीं है। और कमरुज़ामा चौधरी, आपकी आवाज को क्या हो गया है? लड़की हूं लड़ सकती हूं को क्या हो गया है? और संविधान बचाने वालों का आज क्या हाल हो गया है कि ये डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट का राइट है, जो उसकी बात करते हैं, आज चुप है? बिल्कुल नहीं नाविका जी, हम सड़कों पे डे वन से थे, आज भी है, कल हमारा प्रोटेस्ट रैली भी है, 29 तारीख को भी अधीर रंजन चौधरी का प्रोटेस्ट रैली है। लेकिन आज का जो, मैं सुधांशी जी का एक बात पे मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ, उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया मानसिकता का। उस वक्त उनका मानसिकता क्या हो रहा था, जब प्रज्वल रवन्ना के साथ में प्रधानमंत्री खड़े होकर उसका वाहवाही कर रहे थे, उस वक्त उनका मानसिकता कहाँ था, जब ब्रिजभूषण चरण सिंह, जिसका ऊपर गैर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया, मुझे लगता तब बीजेपी उसके साथ दे रहा था, जब बाबा राम रहीम, जब प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े थे, तब तक आरोप नहीं था, आरोप बाद में निकला, और इंटरव्यू, चुनाव से पहले के इंटरव्यू में ये सवाल
मैंने पूछा था प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री ने इसका जवाब भी दिया था कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, लेकिन लेकिन टाइमलाइन आपके लिए जरूरी नहीं है, तथ्य आपके लिए जरूरी नहीं है। और सुधांशु जी आप अगर आंदोलन करें तो सारे आंदोलन बीजेपी के, हालांकि एसएफआई का भी नाम आया है, छात्र बॉडीज का जो वामपंथी वाले हैं, अब मुझे पता नहीं कि वामपंथी आजकल बीजेपी के साथ हो गए हैं, और दूसरी तरफ गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, कोई आवाज उठाए तो बस वो दलाल, क्या ये तानाशाही नहीं है? वैसे देखिए, कौन मीडिया किस चीज का, मैं इस शब्दों से परहेज करता हूं, दलाल वगैरह वो लोग शायद भूल गए होंगे 10-12 साल पहले के राडिया टेप याद है, जब मीडिया के कुछ पत्रकार तय करते थे कि किसका मंत्रालय क्या होना चाहिए, कौन मंत्री बनना चाहिए, और फिर ये कहा था नहीं नहीं ये टेलीकॉम इसके लिए ठीक रहेगा, फिर हम इसके लिए बात करेंगे, भूल गए क्या? इसलिए वो मत बताइए। और पूरा 50-60 साल की हिस्ट्री है केजीबी के आर्काइव से लेके सीआईए के आर्काइव तक कि कौन मीडिया किसके लिए क्या काम करता था। आज भी मैं किताबों के नाम गिना सकता हूँ, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट टू से लेके यवग्लेन एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट से लेके यूरी बेजवेनेव की बात से लेके और नटवर सिंह की किताब, जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार में किस तरीके से अमेरिका और उनका हस्तक्षेप था, छोड़िए उस विषय के ऊपर, तो पूरे देश को पता है अगर कोई जरा भी सर्च करना चाहेगा कौन सा मीडिया किसके द्वारा गवर्न हो रहा था। पर यहां पर विषय इस बात का है कि उस लड़की के साथ न्याय अन्याय और की बात को लेकर किस प्रकार से आप लोग वितंडावाद करते। मैंने मानसिकता की बात कही, प्रज्वल रवन्ना के विषय जब तक आया ही नहीं था जब प्रधानमंत्री ने रैली की, और जब विषय आया तो कर्नाटक की सरकार का एक नोटिफिकेशन दिखाइए एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि उसको रोकना है, चैलेंज से कहता हूं। श्रुति का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, 15 अगस्त की रात को जो दंगाई आरजी कार में घुसे थे उनके खिलाफ ममता जी के ये वाटर कैनन और ये टियर गैस कहां चले गए थे? मनोज का दिल्ली से सवाल है, ममता बैनर्जी का आज का रवैया तानाशाही नहीं तो और क्या है? बीजेपी का आरोप गलत कैसे है? नरेश सक्सेना का कानपुर से सवाल है, ये ममता सरकार को पहले से कैसे पता चल जाता है कि एक दिन बात कहां कैसी हिंसा होने वाली है? चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती या अब नबन्ना प्रोटेस्ट, जब इन्हें पता है कि हिंसा की स्थिति बन सकती है तो ये उसे रोक क्यों नहीं पाते? ये सवाल पब्लिक जो है वो सब समझ रही है। नरेश सक्सेना का कानपुर से एक और सवाल है कि ये रोकते क्यों नहीं है इस तरह के प्रोटेस्ट जो उस डॉक्टर बिटिया के लिए हो रहे हैं? ये आज सवाल जो उठाए गए हैं, ये सवाल हमारे जहन में गूंजते रहेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, मुद्दा ये है कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होगा तो कैसे और कब, और क्या अगर छात्र